ये देखिए मैंने दोनों तरफ इस तरीके से गोबर से लिप दी हूँ, बट उन लोग का नहीं है, दिन भर ऐसे धूप में बैठ के मारते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चावल जो है हो चुका है, तो इसको पसाना है। और हाथ सब्जी में बन रहा है देखिए, शिमला मिर्च और आलू की। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा खाना वाना बन चुका है और मैंने थोड़ा सा खा भी ली हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगता है और लेट भी बहुत ज़्यादा होता है। 11 बज जाते हैं या फिर कभी कभार 12 भी बज जाते हैं मेरे आते तक, तो इसलिए मैंने फटाफट से बना के भी थोड़ा सा खा ली हूँ और अभी मैं निकलने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इधर से अभी हम निकल गए हैं ईटा बोने के लिए। सो मैं अपना शर्ट डाल ली हूँ क्योंकि ठंड लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, और धूप अभी निकलना शुरू हो गया है ना, तो इसीलिए इधर तो कोई नहीं दिख रहे हैं, बट गाय बैल बहुत सारे दिख रहे हैं। सो ये देखिए उधर मस्त चल रहे हैं, मस्त मस्त सुबह सुबह मस्त धूप के साथ में। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमना बट्टी में पहुंच चुके हैं और इधर आप लोग देख सकते हैं उन लोग यहाँ पे अभी ईटा बो रहे हैं। वैसे हम लोग बोना स्टार्ट नहीं करे हैं, तो हम लोग का यही पास में है और इन लोग दूसरे लोग हैं, तो ये देखिए इस तरीके से। और इधर आप लोग देख सकते हो इधर मार रहे हैं ईंटा, तो ये देखिए इस तरीके से ईंटा बनता है। तो एक जन गोल गोल बनाते जा रहे हैं और दो जन लेते जा रहे हैं और एक जन ना मारते जा रहे हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं देखिए मिट्टी को इस तरीके से कोड़ते हैं और वहाँ पे फिर पानी डाल के उसको भिगोते हैं और फिर उसको मिट्टी को निकाल के बनाते हैं ईटा। और इधर पूरा ईटा रखा हुआ है। सो ये देखिए, और ये पास बच्चे मन खेल रहे मस्त धूप में रेत में। और इधर भी ये देखिए, यहाँ पे भी पूरा मतलब पूरा फैमिली आए हुए हैं और इधर भी ज़ोरदार से ईटा मार रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं घर ईटा बो के, और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, अभी हम इधर आ गए हैं बाड़ी साइड बाबू के साथ में। हे देखिए बाबू इधर है, क्या कर रहा है बाबू? बाबू मस्त खेल रहा है अपना पास बैठ के। और इधर अभी हम लेके आ गए हैं देखिए अपना कूला, जो कि चावल चाटने वाला है। और ये ना बांस का बना होता है और इसको आप लोग देख सकते हो, ये देखिए चूहा मन्ना इस तरीके से पूरा खाट वाट के कच्चे कर दिए हैं। इधर भी ये देखिए, तो इसी को अभी ठीक करना है, तो अब कैसे ठीक करेंगे वो आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो जब कहीं मतलब छोटा मोटा पड़ता था या फिर जैसे कि चेदा होता था तो नीचे से चावल गिरते थे, तो माना बचपन में मैं देखी थी माँ इसमें कुछ बनाते थे, तो अब क्या कैसे बनाते थे मतलब वो आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में देखिए, तो चलिए अभी इसको बनाते हैं, ठीक करते हैं। सो चलिए अभी इसको पहले बना लेते हैं और फिर दिखाएंगे आप लोगों को। और बाबू इधर मस्त खेल रहा है अपना, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमारा कूला को जो है ठीक कर लिए हैं। सो ये देखिए हमारा कूला, ये देखिए मैंने दोनों तरफ इस तरीके से गोबर से लिप दी हूँ। सो ये देखिए गांव में ऐसा ही होता है, तो इस तरीके से लिपा जाता है, तो इससे क्या है कि और इधर इधर भी कर दी हूँ क्योंकि छोटे छोटे जो चावल है ना वो ना नीचे गिर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी ये देखिए इस तरीके से लिप दी हूँ। तो ऐसे ही करते थे जब मैं छोटी थी ना, बाबू को लगा जब मैं छोटी थी ना तो माँ ऐसे ही करती थी, तो मैं देखी थी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनवा दी हूँ। ये देखिए इधर इधर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी हूँ ताकि फिर ना पटे,
सो ये देखिए मस्त हो गया, और इधर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये देखिए इधर भी मस्त हो गया है, ये देखिए तो मस्त। अभी यहाँ से मस्त चावल नहीं गिरेंगे तो अच्छा हो जाएगा चाटने के लिए। और इसको अभी हम ना एक सुखाएंगे ना बाबू, हाँ तो थोड़ी देर पास सुखा देंगे ताकि ये मस्त सूखेगा अपना। और इधर से गाड़ी मन का हवा जी जाते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल हमारा कूलर जो है मस्त नया बन चुका है। और इधर बाबू को देखो क्या कर रहे हैं, बाबू इधर देखना ही डैड, इधर देखना ही डैड। सो फ्रेंड्स, अभी हम इधर आए हैं अपने कूलर के लिए। सो ये देखिए पास रखी थी, पास मस्त धूप था और पूरा छांव आ गया। सो चलिए अभी इसको लेते हैं। सो ये देखिए कैसा लगा हमारा जुगाड़, सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो वैसे देखिए मस्त हो गया है, तो चलिए अभी इसको अच्छे से सुखाना है। बट यहाँ पे अभी मैं नहीं रहूँगी ना, तो ये पास नहीं रखे रहूँगी, तो घर में ही ऐसी ठांग दे रहूँगी, तो फिर कल वल सुखाएंगे अच्छे से। वैसे सूख गया लगभग, के पास थोड़ा थोड़ा ये देखिए यहीं पे बस थोड़ा सा कच्चा है, बट सूख जाएंगे। सो चलिए अभी इसको ले जाते हैं रूम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मिंग ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, इधर से अभी हम कंघी उंगी कर लिए हैं। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं बाबू? मैं कहाँ जा रही हूँ? इटाबुना। मम्मी जा रही है इटाबुना खजे। हाँ, और तू? मैं खेलते रहूँगा। बाबू ये पास मस्त अपना खेलते रहेगा ना बाबू। वैसे बाबू के लिए थोड़े से चावल वगैरह है, तो बाद में खाएगा ना बाबू। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम भी यहाँ से निकलते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 2:15, तो मैं ना 2 बजे करीब निकल जाती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया ना बाबू। तो चलिए अभी चलते हैं, और बाबू के पास मस्त खेलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम बट्टी में पहुँच चुके हैं, और इधर अभी हम आए थे पानी के लिए, देखिए तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है, और दौड़ के जाना है फिर दौड़ के आना है। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा पहले के वीडियो में, सो इस तरीके का। तो इसलिए अभी पानी पहले से हम लोग ले जा रहेंगे, फिर बाद में पूरे टाइम नहीं होता है ना इसीलिए। और इधर है हमारा बट्टी, और मारने वाले अभी भी मार रहे हैं। हम लोग का क्या है ना कि थोड़ी देर मतलब रेस्ट भी करते हैं, बट उन लोग का नहीं है, दिन भर ऐसी धूप में बैठ के मारते रहते हैं। तो हीरे किधर है मारने वाले, सो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं घर, और इधर आप लोग देख सकते हो पूरा शाम ही हो गया, तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज ईटा ना बहुत मतलब नीचे में था, तो उसको ऊपर चढ़ा रहे थे ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो इसीलिए अभी शाम हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं घर, और मिलते हैं आप लोगों को सीधा घर में। सो फ्रेंड्स, अभी हम हाथ मुँह धो के आ गए हैं, और हम अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करें, क्योंकि पूरा कपड़ा ना बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था, पूरा पसीना की वजह से पूरा भीग गया था, इसी वजह से मैंने कपड़ा वपड़ा को चेंज करी। सो फ्रेंड्स, इधर से अभी हम खाना वाना खा लिए हैं, और मैंने अपना जैकेट भी डाल ली हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगा इसीलिए। और इधर अभी हमारा बाबू जो है मस्त खाना वाना खाया, और ये पास आके सो दिया है। ये देखिए उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। और इधर से अभी हम सारा काम जो है ख़त्म कर लिए हैं, बर्तन वगैरह भी सब कुछ धुल गया हमारा, और अभी हम जा रहे हैं वापस सोने के लिए। तो बाबू को सबसे पहले उठाऊँगी, फिर उसको ले जाऊँगी, तो उठ ही नहीं रहा है, तो देखते हैं उठा के देखती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ना आज की इस वीडियो को करते हैं एंड। सो आज का हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख नहीं और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अभी सो फ्रेंड्स, अभी हम इधर आए हैं अपना कूलर के लिए। सो यही पास सूखने के लिए रख दी था।